साथियों, बीती रात दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है और स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, लोकतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न और अन्याय को लेकर लगातार हमारी पहलवान बेटियां कहें, देश का नाम रोशन करने वाली, देश के नाम पर मेडल लाने वाली विनेश फोगाट की बात करूं, साक्षी मलिक की बात करूं, बजरंग पुनिया की बात करूं, लगातार आज 10 दिन से अधिक समय हो चुका है जंतर मंतर पे बैठे हैं। मांग है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ FIR करके उसे अरेस्ट करके, जो उसने यौन उत्पीड़न के उन पर आरोप लगे हैं उसके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन पूरी की पूरी सरकार हमारी इन बेटियों के साथ नहीं। यौन उत्पीड़न और 40 से अधिक आपराधिक मामले जिस पे भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के ऊपर हैं, वो सरकार उनके साथ खड़ी है। नारा तो था प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का, पर आप बेटियों को नहीं, अपराधियों को, अपने सांसदों को, चाहे वो बलात्कार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर हो आपका विधायक, चाहे संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा के हो जो आज भी पद पर बने हुए हैं, और चाहे ब्रजभूषण हो आपके सांसद, मौन है आपकी सरकार, पूरी तरह सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। बेटियों की आंखों में आंसू है और प्रधानमंत्री जी आपके सर पर ताज है। कर्नाटक की गलियों में आप वोट मांग रहे हैं, क्यों आपको कर्नाटक की आधी आबादी महिलाएं बहन बेटियां वोट दे, जब वो देख रही हैं कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटियां आंसुओं में हैं, न्याय मांग रही हैं आपसे, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही। और ब्रजभूषण कहते हैं प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, और प्रधानमंत्री जी कह ही नहीं रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इस्तीफा देने को तो कितने लोग भाजपा में बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए ब्रजभूषण को नहीं, खुद को बचाने की कोशिशें हो रही हैं ऐसा लगता है। मैं पूरे देश से अपील करूंगी, बेटियों से अपील करूंगी। मैं खुद बेंगलोर में हूं पिछले 15 दिन से, और 8 तारीख को दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगी तो सीधा जंतर मंतर जाऊंगी और अपनी बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। देख लेते हैं सत्ता में कितनी ताकत है। FIR तो करवा ली हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से, अब गिरफ्तारी भी कराएंगे और सजा तक इसे पहुंचा कर रहेंगे। लगा ले सत्ता जितना जोर लगानी है, लेकिन ये देश अपनी बेटियों के साथ, महान बेटियों के साथ ताकत बनकर खड़ा था, खड़ा है और न्याय मिलने तक खड़ा रहेगा। If you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.